कैसे हैं? आज मैं अपना रिव्यू लेके आया था, जो भी आपको प्रीवियस वीडियो दिया था, तो सोचा आज 22 तारीख है तो एक बार उसको रिव्यू भी कर लेते हैं। तो उसमें नौकार था, DHFL है, और अदानी ग्रीन है, और जेट एयरवेज है। तो ये चार शेयरों पे चलिए एक बार इसको रिव्यू करते हैं। आज के डेट में क्या स्टेटस है और क्या मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला है नौकार कॉरपोरेशन। नौकार कॉरपोरेशन देखेंगे तो ये 76 रुपये पे चल रहा है, क्योंकि उस समय बीच में ये 82 तक चला गया था, फिर वापस ये नीचे आया था, और 71 का लो बना हुआ है इसका। तो इसने नया लो बना दिया, अभी 75 उस समय बना हुआ था, अभी 71 का नया लो बनाया है, और अभी भी इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड जनरेट नहीं हुई है। आज की क्लोजिंग देखेंगे तो 76.70 पे हुआ है, और वॉल्यूम था 76। अभी भी नौकार कॉरपोरेशन में देखेंगे तो 50% सेंटिमेंट दिखा रहा है बाय और सेल का, बट ये नया लो पे लो बना रहा है। एक बार इसके चार्ट को चलिए देख लेते हैं। तो चार्ट में देखेंगे तो ये सारे लो को देखिए, आप सारे ये लो देख लीजिए, 9, 20, 50 सारे के लो को अभी तोड़ता हुआ है, और अभी ये जो इसके 9 दिन के लो है, 90 जो लोएस्ट इसका लो है यहाँ पे, ये आता है एक मिनट, वापस एक बार नौकार कॉरपोरेशन के चार्ट को खोल ओपन कर लेते हैं। तो ये अभी भी सिग्नल बाइंग का ऐसे तो जनरेट किया नहीं है, अभी भी आप देखेंगे तो इसमें कोई बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं किया है। और अभी भी आप यहाँ पे भी देखें तो आप देखिए, ये जो इसने एक बार ये अपसाइड लिया था, यहाँ से अपसाइड ये लिया था, अब यहाँ देखेंगे 72 का लो बनाया था, फिर यहाँ 74 का बनाया था, यहाँ 77 का बनाया था, और एक बार 84 का बनाया था। यहाँ से इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड तो दिखाने की कोशिश की थी, और ये जितना ऊपर की ओर गया उतना ही नीचे वापस आ गया है, और लगभग ये जो लो बनाया था 71.20 आप देखेंगे यहाँ पे बनाया था, तो अब वापस ये उसी की ओर जा रहा है। तो इसमें कोई खास हमें कोई दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड तो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। और अगर इसके आज की क्लोजिंग देखें तो 76.70 पे दिया है, तो वापस अगर ये अपने एक बार इसके मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं, तो इस दूसरे चीज़ को भी देखते हैं कि ये अभी अभी भी क्या बता रहा है, ये स्ट्रेंथ इसमें अभी भी कहीं पे भी दिख नहीं रही है। अगर हम इसके और भी चार्ट को लगा लें, और ऐसे ही को लगा लें, सी को लगा लें, स्टेटस को लगा लें, तो देखिए अभी भी आप कहीं पे भी ये देखिए सिग्नल देखिए कॉमन, ये चाहे आप इसका CCI का सिग्नल देखिए तो अभी भी ये नीचे की ओर सिग्नल दे रहा है। मीन्स अभी भी इसमें सिग्नल में पॉजिटिव ट्रेंड तो जनरेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको जैसे बोला था फाइनेंशियल तो अच्छा है, बट स्टिल अभी इसमें पॉजिटिव बाइंग सिग्नल चालू नहीं हुई है, चाहे आप CCI की बात करें। चलिए मैं आपको दूसरा स्टॉक ही सारा ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखिए एवरेज लाइन को तोड़ते हुए कैसे ये नीचे जा रहा है, तो अभी भी ये बाइंग सिग्नल जनरेट, कहीं पर भी आप यहाँ पे कहीं पर भी देख लें तो ये बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुई है, मैंने जैसा आपको पहले बोला था। और ये अगर 71.20 को तोड़ता है, जो अपने पुराने लो को है, तो नए लो को बनाने के लिए तो ये तैयार ही है, कहाँ तक बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इस पे वॉच रखिए, और नए लो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एक बार ये 55 के आसपास जाकर के भी जंप ले सकता है, तो नए लो बनाएगा। फिर भी अगर आपको एक्यूमलेट, अभी तो बाइंग करने की जरूरत नहीं है इसमें नौकार कॉर्पोरेशन में, तो अभी भी वीकनेस एज इट इज कंटिन्यू है, कोई भी सिग्नल बाइंग का भी जनरेट इसमें नहीं हो रहा है। चलिए दीवान हाउसिंग पे चलते हैं। दीवान हाउसिंग में जैसा कि आपको दिखाया है यहाँ पे कि आप दीवान हाउसिंग आज वापस ये बहुत अच्छा खासा गिरावट के साथ बंद हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें बाय सिग्नल आज भी सेंटीमेंट प्लस है, तब भी मैंने आपको बोला था इसको बाय करने की जरूरत नहीं थी, जब ये 228 या 230 क्रॉस करते हुए वापस 282 पे चला गया था, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है कि फाइनेंशियल जो स्कैम हुआ है वहाँ पे कहाँ तक ये कहाँ पे जाके क्लोज करेगा ये मैटर। अभी भी सेंटीमेंट खराब, और वापस अब हाई सेंटीमेंट आप देख रहे हैं ब्रोकन किया है। अब ये जो 185.60 आज ही नया लो बना चुका है ये, और अब जो ये नया लो बनाएगा 151 के आसपास जाके बनाएगा। तो आप वापस देखिए इसके लो, आप देखिए पुराने इसके चार्ट को देखें तो देखिए ये यहाँ पे जा करके ये आप देखेंगे तो आज ये 154 के आसपास आ रहा था, यहाँ पे 154 के आसपास इसने 149 150 लो कुछ बनाया था, ये यहाँ पे बनाया है वो लो बनाया है इसने कुछ यहाँ पे 149.70 का बनाया है, तो ये वहाँ यहाँ पे जाके वापस ये 149.70 को ट्राई करेगा,
और उसके यहाँ से अप लिया था, तो एक बार तो ये 150 जाएगा, और अगर 150 तोड़ेगा तो ये 110 तक जा सकता है, और अगर उसको तोड़ता है तो कहाँ तक जाएगा उसकी लिमिट तो है नहीं, 100 तोड़ने के बाद ये और नीचे भी जा सकता है। अब इसमें कोई बाइंग सिग्नल भी जनरेट नहीं होती है। अगर मैं आपको करंट चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए करंट, ये देखिए कैसे यहाँ से अब थोड़ा लिया था बट एक कंटिन्यूस ये लोअर सिग्नल बनाते जा रहा है, हर लो को तोड़, नया लो बना रहा है, डेली नया लो बना रहा है। ये बीच में अब चला गया था 289 तक चला गया था, एक बिग फॉल यहाँ पे जब हुआ था, बिग फॉल के बाद यहाँ पे एक गिरनी उठा था, उठने के बाद वापस ये अप गया था 289 तक। अब 289 के बाद देखिए नए लो डेली बना रहा है, और नो बना के आज 188.40 पे क्लोजिंग भी दिया आपको, आज की जो क्लोजिंग है 188.40 पे क्लोजिंग दिया इसने। सेंटिमेंट अभी भी बाइंग का है, बट अभी भी बाइंग मत कीजिए इसको जब तक ये स्टेबल नहीं आता, और जब तक कोई सिग्नल आपको नहीं मिलता है, चाहे स्टॉक सारे सही देखिए नीचे की ओर है, चाहे आप CCI देखिए नीचे की ओर है, और विलिंगटन देखिए तो ये भी नीचे की ओर है विलिंग्स, तो हर सिग्नल आपको नीचे की ओर दे रहा है, कोई भी बाइंग के लिए आपको बता रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो अभी भी आपको DHFL में बाइंग नहीं करनी चाहिए। आप पुट का पोजीशन मैंने बोला था 160 का 2 रुपये पे बाय करने के लिए किए होते तो आज ही 3.5 रुपये, इसके पहले एक बार और भी वो 8 रुपये तक जा चुका है। अभी भी अगर आप करेंगे 160 का तो भी कोई लॉस नहीं होगा, आपको अभी भी फायदे में और आगे भी फायदे में रहेंगे। चलिए ये पेपर ट्रेडिंग के लिए ही बोला था आपको देखने के लिए, तो आप पेपर ट्रेडिंग अगर देख रहे होंगे तो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा ये फायदेमंद है। और एक और इसमें 2 शेयर आपको बताया था, जेट एयरवेज में तो आपको बोला था लुटिया डूब गई, ये लुटिया पूरा बराबर डूबी है इसमें लुटिया। अब ये देखिए 211.60 पे ही है, तो 211.60 पे आज की क्लोजिंग 162 का लो ये बना ही चुका है, और वो 883 से गिर रहा है। सेंटिमेंट यहाँ पे जो बता रहा अभी भी बाइंग का बता रहा, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनता इसको बाइंग करने का। हाँ, ये जब तक 200 से ऊपर की ओर है तब तक ठीक है, सेंटिमेंट ठीक है, 200 एक बार तोड़ता है तो वापस आपको 162.80 दिखाने को, और ये दिखाएगा ही दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें पॉजिटिव ट्रेंड आने वाला नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आने वाला है। ये स्लो करके पेनिश करके गिरेगा, और जितना पेनफुल होगा उतना पेन गिरेगा। ये 162 को भी तोड़ेगा, अरे आपको ये 110-111 के पास आपको सर्दियाँ में बताता हूँ कि 110-111 के पास आपको जेट एयरवेज मिलेगा, तो आपको वेट करना है, होल्ड करना है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए आपको सिग्नल देखिए, जो जितने भी सिग्नल है आप देखिए यहाँ पे कोई भी सब नीचे की ओर दिखा रहा है, ये देखिए और गिरने को, और ये तो आप गिरने का सिग्नल भी बना दिया है, ये देखिए अच्छे से गिर रहा है, तो ठीक है इसको गिरने दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये भी गिरेगा और गिरेगा भी, जाने दीजिए इसको नीचे की ओर, जब सिग्नल अप की ओर आएगा तो बाय करेंगे, हमें अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं है इसको बाय करने का। और ये सारे सिग्नल को तोड़ के आप देख रहे हैं, सारे मूविंग एवरेज को 9, 208, 211, 246 अपने 9 दिन के, अपने 20 दिन के सारे को तोड़ते हुए, ये यहाँ पे देखिए ये 100 दिन के सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ते हुए, ये कोई भी जो लोएस्ट इसका मूविंग एवरेज है वो है 9 दिन का 208, उसी के आसपास ये है। अभी अगर मोस्ट प्रोबेबली ये 208 तोड़ता है तो और लोअर चल जाएगा। 20 दिन का मूविंग एवरेज 211 है जहाँ पे ये है अभी, और इसके बाद अगर ये जाता है तो अभी इसका 9 दिन का मूविंग एवरेज है 208, तो अगर उसको 208 को बचाता है तो वापस ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा। 208 तोड़ता है तो और भी अच्छे खासे नीचे की ओर जाएगा, और 162 वापस आपको जाके दिखा सकता है। 208 तोड़ने दीजिए इसको, वेट कीजिए 208 का। अब चलिए लास्ट, अभी एक अदानी ग्रीन आपको कुछ दिन पहले मैंने दिया था, जो कि अभी 3575 में दिया था, ये आपको पोजिशनल बेसिस पर बाइंग करने दिया। देखिए सेंटीमेंट इसमें बहुत ही अच्छा है, तो ये अप डाउन करते रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हाई देखिए 73-74 का बनाया हुआ है, और ये पावर सेक्टर में है तो आपको मालूम है पावर का डिमांड बहुत अच्छा है, तो आपको इसमें बाय अभी भी बनाया, कोई डरने की जरूरत नहीं। इसको लोअर पे आप एक्यूमुलेट करते रहिए, लेकिन हर लेवल पे मत कीजिए, एटलीस्ट 15% डाउन या 20% डाउन पे इसको बाय कीजिए, एटलीस्ट 20-25% डाउन पे आपको एवरेज करना चाहिए इस शेयर में। हर शेयर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और लिमिट होता है, इस शेयर में 25% के बाद ही आप इसको बाय करें। अभी आप देखेंगे तो आप इसको फेनेबल जो इसको हमने लगा के चार्ट वगैरह यहाँ रखा है, तो यहाँ गिरने का ही सिग्नल दे रहा है, ये CCI वापस देखिए गिरने का ही सिग्नल दे रहा है, डाउन की ओर सिग्नल दे रहा है, तो अच्छा हो टाइम है आपके अपॉर्चुनिटी बाय के लिए। लेकिन ये कहाँ तक गिरेगा, तो इसका मैंने जो रिट्रेसमेंट लगाया है FIB रिट्रेसमेंट लगा के रखा हुआ है इसमें, तो FIB रिट्रेसमेंट आपको जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट कहाँ तक गिर सकता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखिएगा 38, ये अभी आज जो दे रहा है ये दे रहा है 3575 पे, अदानी ग्रीन जो है 3575 पे आज क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 35 के बाद ये एक और गिर सकता है, ये 3453 है,
और 33 है, तो 31 तक जा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो गया था 3190 का एक क्लोजिंग बनाया था 29110 का, तो 28-29 तक तो जा सकता है अब जा करके वापस, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे अंदाज से ये 33.13 यहाँ पे से रिवर्सल लेगा। तो आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए ये 33.13 से ये वापस रिवर्स ले लेगा 33 के आसपास, जो कि इसका 61% आता है, 61% पे ये आकर के रिवर्सल ले लेगा। इतना फॉल तो होगा नहीं, वहाँ ऊपर जब 100% बढ़ाता है तो वहाँ से 61 के आसपास आकर के इसको यहाँ से वापस रिवर्सल लेना चाहिए। तो मेरे अंदाज से 61 या 33 या 31 से वापस ये रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, और नहीं तो लो 28.59 है यहाँ से, तो आपको वापस दिखेगा ही दिखेगा ऊपर। मेरे अंदाज से जो अप डाउन का कंसेप्ट है वहाँ पे 33.13 बनता है जहाँ से इसको अप लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पोजीशन है, इसको होल्ड करके रखिए, ये अच्छा गेन आपको देखे जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब बाय सिग्नल बना था इसका, ये देखिए ये जो लाल वाली आप ये देख रहे हैं, लाल वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाल वाली ये जो है आपका, ये है आपका 13 दिन का मूविंग एवरेज, और ये इसी को क्रॉस करते हुए ये जो था सिग्नल ऊपर की ओर निकला था अपना। अगर आपको मैं इसको कर्व एरिया से दिखाऊं, मैं आपको लाइन से दिखाऊं, तो आप देखिए ये जो क्रॉस किया था लाल वाली लाइन जो थी, जो अपने सबसे ऊपर की 13 दिन की लाइन थी, इसको क्रॉस करते हुए इस टॉप पे निकला था और ये हाई बनाया था। तो वापस अभी आप देखेंगे तो ये लाल वाली जो लाइन है वो टॉप पे चली गई है, तो कोई बात नहीं, इसको टॉप पे जाने दीजिए। अभी यहाँ पे बाइंग करने का नहीं है, सिग्नल आ नहीं रहा अभी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग तीनों लाइन मर्ज तो हुई है, ऐसा नहीं है सिग्नल खराब नहीं है, मर्ज होकर लोअर की ओर बनी है, लेकिन ये अब चला गया तो यहाँ पे सिग्नल एग्जिट का दिया था, और शॉर्ट टर्म के लिए था तो ये एग्जिट का सिग्नल दिया था। देखिए यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला था, यहाँ से आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था, ये जब था 32 के आसपास था, यहाँ पे आपको वहाँ से 40 रुपीज़ तक कहा गया था, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला था, और अब ये यहाँ पे जब था ये था 37, 36, 38 के आसपास, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला था। तो अभी डाउनवर्ड है, वापस जब ये ऊपर की ओर जाए तो आपको बाय का सिग्नल मिलेगा, वहाँ पे आप बाय करें आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जब रेड वाला नीचे आ जाए, जो कि आपका 13 डेज का मूविंग एवरेज है, ये नीचे आ जाए और वो ऊपर जाए तो आपको बाय का सिग्नल मिलेगा, वहाँ पे आप बाय करें और इसको होल्ड करें, ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये मल्टी बैगर है, ये आपको लखपति से करोड़पति बनाने का दम रखता है। ये सारा पेपर ट्रेडिंग है और एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।